सोने का सही तरीका क्या होता है जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगन सर में एक और नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति योगा या जिम में एक्सरसाइज करता है तो उस समय बॉडी के तरीके और वर्कआउट फॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज व्यक्ति को चोट भी पहुँचा सकती है। ठीक इसी तरह हमारे सोने की पोजीशन का भी हमारी सेहत पर अच्छा या बुरा दोनों तरह से असर पड़ता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र और दिमाग पर। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि अच्छी नींद के बाद हम ज़्यादा एनर्जेटिक और एक गहरी नींद से दिन भर की थकान पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन जितनी ज़्यादा जरूरी गहरी और लंबी नींद होती है उतनी ही ज़्यादा जरूरी हमारे सोने की पोजीशन भी मानी जाती है। आज लगभग 70% से भी ज़्यादा लोग सोने के सही तरीके से अनजान हैं। गलत तरीके से सोने पर कई लोगों को रात में ठीक तरीके से नींद नहीं आती, या फिर बार बार नींद खुलती रहती है, या फिर सोते समय नींद लगने में काफ़ी समय लग जाता है, और इसके अलावा अचानक गर्दन, कमर, कंधे में दर्द शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पाचन में गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है, दिन भर आलसपन रहता है, सुबह पेट ठीक तरह से साफ न होने के साथ साथ शरीर का ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि हमारे दिल की सेहत पर भी हमारे सोने के तरीके का काफ़ी असर पड़ता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी त्वचा की सेहत और बालों की क्वालिटी भी सिर्फ और सिर्फ हमारे सोने के तरीके से प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोग अपने दाएं हाथ की तरफ करवट लेकर सोते हैं तो कुछ लोग बाएं तरफ करवट लेकर सोते हैं, कुछ लोग पीठ के बल सोते हैं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पेट के बल सोते हैं। इन सभी पोजीशन का हमारी सेहत पर अलग अलग असर होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पेट के बल सोना सबसे हानिकारक माना जाता है, खासकर अस्थमा के मरीजों के लिए, क्योंकि इस पोजीशन से हमारे पेट के साथ साथ हमारे फेफड़ों पर भी दबाव आता है, इसलिए सोते समय सांस लेने में मुश्किल पैदा हो सकती है। पेट के बल सोने पर हमारी रीढ़ की हड्डी पर काफ़ी जोर पड़ता है, इसलिए जो लोग ज़्यादातर पेट के बल सोते हैं उन्हें धीरे धीरे बैक पेन की समस्या भी शुरू हो सकती है, और साथ ही पेट के बल सोना पाचन प्रक्रिया के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा राइट साइड यानी कि दाहिने यानी कि सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर सोना भी सही नहीं माना जाता है। अगर हमारे शरीर के पाचन तंत्र पर नज़र डाली जाए तो आप देखेंगे कि हमारा पेट शरीर में उल्टे हाथ की तरफ होता है, मतलब कि हमारा दिल भी बॉडी में बाईं तरफ ही होता है। दाएं तरफ सोने से इसका हमारे डाइजेशन प्रोसेस पर काफ़ी गलत असर पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की वजह से हमारा पेट अपने प्राकृतिक स्थान से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ दबने लगता है। लंबे समय तक दाएं तरफ करवट लेकर सोने से पेट में मौजूद भोजन भी अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा करने लगता है, जिससे खाए गए भोजन को पर्याप्त मात्रा में पाचक रस नहीं मिल पाता है और एसिडिटी, खट्टी डकार, पेट फूलना, कब्ज जैसी समस्या होने लगती है, और कब्ज जैसी समस्या होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सोने का सही पोजीशन क्या होता है। अगर आप पीठ के बल मतलब कि सीधे सोते हैं तो यह भी इतना गलत नहीं है, लेकिन उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेकर सोना सबसे अच्छी स्लीपिंग पोजीशन मानी जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र सोने की पोजीशन चेंज कर देने से आपकी सेहत पर कितने कमाल के असर आ सकते हैं? चाहे आयुर्वेद हो या फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस, हर जगह बाएं तरफ करवट लेकर सोने को ही सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि बाएं तरफ सोने से ना सिर्फ हमारा पाचन बेहतर होता है बल्कि ये हमारे दिल, दिमाग और त्वचा, बाल और शरीर के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी अच्छा माना जाता है। बाएं तरफ सोने से कई तरह की बीमारियों और हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं में तेजी से सुधार आने लगता है। आज भी काफ़ी लोग इससे होने वाले अद्भुत फायदों से पूरी तरीके से अनजान हैं, और कई लोगों की गलत तरीके से सोने के एक आदत बन चुकी है। आइए जानते हैं हमें बाएं तरफ क्यों सोना चाहिए, बाएं तरफ करवट लेकर सोने से हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, और साथ ही गलत पोजीशन में सोने की आदत को जल्द से जल्द कैसे सुधारा जा सकता है।
दोस्तों ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलर सिस्टम में खून को लाने और ले जाने के लिए दो तरह की नसें काम करती हैं। धमनियाँ जो कि लाल रंग की होती हैं और दूसरी सिराएँ जो कि हरे रंग की हमारी त्वचा पर दिखाई देती हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा भी हमारे शरीर में एक और प्रकार का नाड़ी जाल होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे लिम्फेटिक सिस्टम भी कहा जाता है। इनमें खून नहीं बल्कि एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसकी मात्रा लगभग 17 लीटर तक होती है। ये तरल हमारी धमनियों और सिराओं से ही निकलता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा दोबारा खून में मिला दिया जाता है। अगर खून में लिम्फेटिक सिस्टम ठीक तरह से काम ना करे तो हमारे शरीर में पानी भरने लगेगा, पैरों में सूजन आ जाएगी और शरीर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से व्यक्ति की गंभीर हालत हो सकती है। लिम्फेटिक सिस्टम में रहने वाले इस तरल में कई तरह के पोषक तत्व और विषैले पदार्थ दोनों मौजूद होते हैं। इन नसों के बीच में घटने होते हैं जिन्हें लिम्फ नोड्स कहा जाता है। बहने वाले तरल में जितने भी खराब पदार्थ होते हैं उन्हें खत्म करने का काम लिम्फ नोड्स का ही होता है, जिससे हम बीमारी, इन्फेक्शन और कई तरह के सेहत से जुड़ी समस्याओं से बचे रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोने से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है, जबकि खून में मौजूद विषैले पदार्थ जल्दी खत्म होते हैं और हमारे शरीर से टॉक्सिक ज़्यादा बेहतर तरीके से बाहर निकल पाते हैं। लेफ्ट साइड करवट लेकर सोने से हमारा पाचन तंत्र भी बेहद मजबूत होता रहता है, क्योंकि इस पोजीशन में भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में आसानी से यात्रा कर पाता है, जिसकी बदौलत सुबह उठते ही पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। जो कि हमारा पेट शरीर के लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए लेफ्ट साइड में लटका होता है। इसलिए लेफ्ट साइड में सोने से भोजन में सभी डाइजेस्टिव जूस अच्छी तरह से मिल पाते हैं और पेंक्रियाज को भी अपना काम करने में आसानी हो जाती है। उल्टे की बजाय सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर सोना ठीक वैसा ही है जैसे कि व्यक्ति को उल्टे सर के बल खड़ा कर दिया हो। ऐसे में भोजन ना ठीक से पच पाता है और ना ही आंतों में अच्छी तरह से ट्रेवल कर पाता है। हमारा दिल भी हमारे लेफ्ट साइड में ही मौजूद होता है। लेफ्ट साइड सोने से हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। खासकर जिन लोगों को दिल से संबंधित बीमारियां हैं उन्हें हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोना चाहिए। जिन लोगों को अक्सर कमर और पेट दर्द की समस्या होती है उन्हें उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। लेफ्ट साइड सोने से हमारी रीढ़ की हड्डी पर जोर कम पड़ता है और साथ ही बैक मसल भी रिलैक्स होती है। बाईं तरफ करवट लेकर सोने से सोते समय हमारे पाचन के साथ साथ ब्लड प्रेशर और सभी अंदरूनी अंगों तथा दिमाग की कार्यप्रणाली भी अच्छी तरह से काम करती है। जिन लोगों की सोते समय सांस फूलने लगती है या जो खर्राटे से परेशान हैं, उन्हें लेफ्ट साइड सोने से इस समस्या से फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कुछ आसान तरीके जो कि उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो रात में हैवी भोजन ना करें, क्योंकि ज़्यादा खा लेने से हमें नींद लगने में काफ़ी समय लगता है और साथ ही हमें सोने के लिए सबसे कम्फर्टेबल पोजिशन को ही अपनाना पड़ता है। राइट साइड में तकिया रखें। ऐसा करने से हम अपने शरीर को नींद में करवट लेने से रोक सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ पिलो हमें नींद में पलटने से रोकता है और धीरे धीरे हमें बाएं करवट लेकर सोने की आदत हो जाती है। कई बार सोने की आदतों में सोने की जगह बदल देने से भी सुधार हो सकता है। अगर आप बाएं तरफ नहीं सो पाते हैं तो एक बार इस नई आदत की शुरुआत अपने बेड को नई पोजीशन में रखने से आदत बदलने में आसानी होगी। तो दोस्तों आप इन सब उपायों को अपनाकर आप बाएं तरफ की ओर करवट लेकर सो सकते हैं। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और किसी भी तरह का सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपको और इस वीडियो से रिलेटेड सवालों का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।